जब भी आप YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं तो इस तरह से ये हैंग होकर रह जाता है और इससे आगे नहीं बढ़ता आपका यहाँ पे YouTube स्टूडियो जो ओपन नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपने YouTube स्टूडियो पे कई सारे यहाँ पे Gmail IDs क्रिएट करके रखे हुए हैं, कई सारे चैनल्स को आप एक ही ऐप के द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं। सो कुछ लोग इसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि सारे Gmail IDs हटा दीजिए और सिर्फ एक Gmail ID रखिए। लेकिन एक और तरीका भी है, आपको यहाँ पे ऐप इन्फो में जाना है अपने YouTube स्टूडियो का और यहाँ पे क्लियर डेटा करके ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। इस क्लियर डेटा कर देना है आपको और जितने सारे डेटा होंगे वो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैश फाइल जो जितने पड़े होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फोर स्टॉप, आपको यहाँ पे फोर स्टॉप करके इसे रख देना है, ठीक है। अब दोबारा जाके हमें अपना YouTube स्टूडियो ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे आपका वो गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन फिर से शो करेगा इसे, तो गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड पर जाके आप एकदम नया जैसे YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं उस तरह से करेंगे और आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा और जितने सारे अकाउंट्स यहाँ पे होंगे वो आपके शो करने लग जाएंगे, ठीक है। और जो ये एक तरीका है कि आप सारे अकाउंट्स को डिलीट करके सिर्फ एक ही अकाउंट को रखें तो ये तरीका भी सही है, लेकिन जब भी आपका फिर से वही प्रॉब्लम शो करे तो आप अपना क्लियर डेटा करके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जितने सारे अकाउंट्स मेरे यहाँ पे हैं तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ एक ही अकाउंट रखेंगे तो आराम से वो उसका वो चलता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है इससे आपको अकाउंट्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अकाउंट में गूगल अकाउंट्स में जाइए और यहाँ पे जिस भी अकाउंट को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और जो टू डॉट्स ऊपर दिखाई देंगे आपको राइट साइड टॉप में उस डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा रिमूव अकाउंट, ठीक है, अकाउंट रिमूव कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।